हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही नया, बहुत ही अलग बॉश के रेफ्रिजरेटर्स। जैसे कि आप लोग जानते हैं, बॉश एक प्रीमियम ब्रांड है जो कि इस तरह के डबल डोर्स बनाता है। बहुत ही प्रीमियम ब्रांड है, जर्मन का ब्रांड है। बट अभी बॉश ने लॉन्च किए हैं अपने डायरेक्ट कूल। ये आप देख रहे हो, डायरेक्ट कूल की चार रेंज आती हैं। एक ये साइज़ है, एक ये साइज़ है, एक ये और एक ये। तो वीडियो में बने रहें, आगे बात करेंगे हम इस सारे फ्रिजेस के जितने भी फीचर्स हैं सबके बारे में, और कैसी इसकी बिल्ड क्वालिटी है और कितना अलग है ये अदर ब्रांड्स के डायरेक्ट कूल के साथ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर इनके कलर्स दिखा देता हूँ जो कि चार मॉडल में आते हैं। एक आपका ये ब्लू स्टील कलर है, दूसरा ये आपका नैरो स्टील कलर है, उसके बाद आपका ये एक ब्लू प्रिंट में आ जाता है जो कि काफ़ी अच्छी प्रिंट क्वालिटी के साथ है, एंड इसका सेम मॉडल आ जाता है विद बेस डोर के साथ। इसमें बेस डोर भी आएगा। ओके, तो बात करते हैं हम स्टार्टिंग वाले फ्रिज की। तो स्टार्टिंग वाले फ्रिज में जैसे कि आप देख सकते हो, फ्रंट की तरफ एक बहुत ही क्लीन एंड शार्प फिनिशिंग दे रखी है, और नीचे एक बेस डोर दे रखा है जो कि मैं आपको खोल के भी दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर अलग अलग तीन पार्टीशन दिए हुए हैं। एक ये है, एक ये है, और ये पार्टीशन अलग है। ठीक है, आप इसको हटा भी सकते हो जैसा कि आप चाहते हो। ठीक है ना, उसके बाद अगर आप इसके स्टील क्वालिटी की बात करोगे तो इसको काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है और काफ़ी ज़्यादा मतलब अलग सा लगता है फील करने में। अगर आप ऐसे छूओगे तो इस चीज़ में आपको काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस दिखेगा। सामने की तरफ आपको बॉश की ब्रांडिंग देखने को मिलती है जो कि काफ़ी प्रीमियम है, एंड ये लोगो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बेसिकली बॉश क्या करते हैं, अपने लोगो ना ऐसे फ्रॉस्ट फ्री में सेंटर में देता है, बट डायरेक्ट कूल में क्या करा, ऐसे साइड में दे दिया। ऊपर की तरफ आप देख रहे होंगे जर्मन का लोगो लगा है जो कि जर्मन ब्रांड है। उसके बाद जो है यहाँ लिखा हुआ आप देख सकते हो, इंडियाज़ रिलायबल एंड ड्यूरेबल रेफ्रिजरेटर्स। ओके, 10 साल की इसमें वारंटी मिलती है कंप्रेशर की, बाकी एक साल वारंटी इसकी कंप्लीट रहती है जो कि नॉर्मल होता है। बाकी 4 स्टार ये फ्रिज आता है, 4 स्टार रेटिंग के साथ आता है। पर ईयर जो ये आपका यूनिट्स कंज्यूम करता है वो करता है 159 पर ईयर के, और ये जो स्टोरेज के साथ आता है यहाँ पर आप देख सकते हो 207 ये स्टोरेज के साथ आता है। ठीक है, बाकी सामने की तरफ आपको काफ़ी प्रीमियम सा एक हैंडल लुक देखने को मिल जाता है जो कि पूरा का पूरा एक ही है। यहाँ से भी आप पकड़ सकते हो, यहाँ से भी पकड़ सकते हो, इधर से भी पकड़ सकते हो, नीचे से भी पकड़ सकते हो, क्योंकि पकड़ने मतलब इसकी ग्रिपिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। और ऊपर की साइड से अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ऊपर की साइड से पूरी क्लीन फिनिश है, एंड यहाँ पर एक पॉकेट ग्रिप दे रखी है इधर साइड ना, ये चीज़ एक पॉकेट ग्रिप दे रखी है ताकि अगर आप ऐसे पकड़ो तो ऐसे आपका फ्रिज ओपन हो जाए। अंदर से अगर मैं बात करूँ तो जैसा कि आप बॉश में देख सकते हो कि बॉश जो है ना वो एक ही सेगमेंट के साथ काम करता है। ठीक है ना, मैं आपको फ़र्क दिखा देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो, ये बॉश का बेसिक स्टार्टिंग रेंज का डबल डोर है। आप इसके डोर की फिनिशिंग देख सकते हो, यहाँ पर एक ग्रिप दे रखी है साइड से। ठीक है ना, ताकि यहाँ से फिंगर्स डाल के डोर ओपन किया जा सकता है। ठीक है, सेम वही लुक इन्होंने अपने डायरेक्ट पुल में भी दिया है, यहाँ से आप पकड़ के इसको ओपन कर सकते हो। बात करते हैं अगर इंटीरियर की, तो इंटीरियर में आपको सिंगल डोर में और बॉश के डबल डोर में कोई फ़र्क नहीं दिखेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो इंटीरियर मटेरियल यूज़ किया गया है एज इट इज़ सेम मटेरियल इन्होंने अपने डायरेक्ट कूल में भी यूज़ करा है। क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, एंड सबसे बड़ी बात जो कि मुझे इनकी अच्छी लगी है वो मैं आपको दूसरे फ्रिज में दिखाऊँगा। अभी यहाँ पर सब टेप वगैरह लगे, दूसरा फ्रिज हमने ऑन किया हुआ है वहाँ पर मैं आपको दिखा दूँगा। तो ऑन करने के बाद ये फ्रिज कुछ इस तरह का दिखता है। जैसे कि आप सामने की तरफ देख सकते हो, मैक्स फ्रिज जोन दिख रहा है, ये काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर आप देख सकते हो, अभी यहाँ पर ये जो फ्रिज है कूलिंग कम कर रहा है। जैसे ही मैं इसके अंदर थोड़ा बहुत सामान रखता हूँ या कुछ बॉटल्स वगैरह रखता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली सामान को सेंस करके अपनी कूलिंग बढ़ा देगा। अभी लगभग मान लिया ये बिल्कुल ज़ीरो पर चल रहा है, क्योंकि अगर ज़ीरो पर नहीं चल रहा होता तो अब तक यहाँ पर पूरा का पूरा बर्फ़ जम चुका होता, लेकिन अभी यहाँ पर बर्फ़ नहीं जमा हुआ है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये वाटर ड्रॉप्स हैं, ये छोटी छोटी पानी की बूंदें हैं। ठीक है ना, तो इस टाइम ये बिल्कुल ज़ीरो पर चल रहा है अपनी लोएस्ट कैपेसिटी पर। अब हम इसमें सामान रखेंगे तो ये अपनी कैपेसिटी को बढ़ा देगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे हैवी चीज़, ये इनकी आइस ट्रे भाई। ये आइस ट्रे किसी भी नॉर्मल फ्रिज के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा हैवी क्वालिटी की है भाई, मतलब इसका कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। बहुत ही ज़्यादा हैवी है और काफ़ी ज़्यादा बड़ी भी है, आप देख सकते हो। इसकी स्टोरेज काफ़ी बड़ी है,
दूसरे अगर हम बात करें इनके टफन शेल्स के बारे में, तो ये काफ़ी ज़्यादा थिक है एज इट इज़ सेम जैसे वो डबल डोर्स में देते हैं, सेम उन्होंने एज इट इज़ अपना सिंगल डोर में भी टफन ग्लास दिया है। और ये टफन ग्लास 150 केजी तक आपका वेट कंज्यूम कर सकता है एंड ये पूरा का पूरा एडजस्टेबल है। सिंगल डोर में आपने इतनी ज़्यादा एडजस्टमेंट कभी नहीं देखी होंगी। यहाँ पर आपको दो शेल्फ मिलती है और दोनों को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। ऊपर की तरफ आपको एक LED बल्ब देखने को मिल रहा होगा जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, ठीक है। सामने की तरफ आप देख सकते हो ये एक वेज बॉक्स आ जाएगा जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी का वेज बॉक्स है। यहाँ पर आपको ये भी जो देखने को मिलेगा, नॉर्मल फ्रिजेस में क्या होता है ना, ये आपका प्लास्टिक का आता है या फिर शीशे का आता है, ग्लास का आता है, बट ये भी टफन ग्लास है सेम एज इट इज़ जो ये मटीरियल है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर बिग बॉटल जोन है जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ है। मैं इसको पुल कर रहा हूँ ये के लिए बिल्कुल भी आवाज़ नहीं कर रहा है, मतलब मटेरियल काफ़ी अच्छा है। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हो और यहाँ पर आपको स्पेसिफिक एक डेलिकेट क्रिस्पर बॉक्स देखने को मिल जाएगा जो कि डेलिकेट आइटम्स के लिए होता है। बाकी यहाँ पर अगर बात करते हैं तो इसकी लॉक क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है और ये जो रबड़ आती है इसकी सील, ये भी वॉशेबल होती है। आप जब ये गंदी हो जाए तो आप इसको निकाल के गर्म पानी से धो के दोबारा भी लगा सकते हो, ठीक है। एंड इसका ये मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो ये भी एडजस्टेबल आपका आएगा स्टोरेज बॉक्स नीचे की तरफ, और ये काफ़ी बड़ा है, नॉर्मल फ्रिजेज में इतना बड़ा नहीं आता, ये काफ़ी बड़ा है, मतलब साइज़ काफ़ी अच्छा है इसका। बाकी यहाँ पर आपको आइस क्यूब के लिए ट्रे देखने को मिल जाएगी जो कि फ्रिज के साथ आती है। एंड ये था एक छोटा सा ओवरव्यू बॉश के डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर का, ठीक है। सेम फ्रिज सारे ही हैं, ये आप देख सकते हो सेम है ये वाला मॉडल भी, और ये जो आता है ये आपका 207 लीटर में दूसरा कलर आता है। ये है इनका सबसे छोटा साइज़ जो कि आता है 187 में, और इसके नीचे भी बेस ड्रॉर लगाया हुआ है। कॉमेंट करके ज़रूर बताना बॉश का फ्रिज आपको ये कैसा लगा डायरेक्ट कूल। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और हमें बता देना कि नए किसी प्रोडक्ट पर वीडियो बनानी है या कोई सा प्रोडक्ट आपको पसंद है तो हम उस पर वीडियो बना देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।